सो आज बहुत ऑस्पिशियस, सॉरी कल बहुत ऑस्पिशियस दिन है। गोपाल भट्ट गोस्वामी का डिसअपीयरेंस डे, और तो 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है ये, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। एंड इनका सिक्स गोस्वामी में से एक गोस्वामी है गोपाल भट्ट गोस्वामी। और सिक्स गोस्वामी जैसे हम सब जानते हैं, आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते, इसलिए मैं जस्ट एकदम ब्रीफ में, सिक्स गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल्स थे। और चैतन्य महाप्रभु कौन थे? राधा कृष्णा, ना ही अन्य, राधा कृष्णा के कंबाइन अवतार। और चैतन्य महाप्रभु ने, हमने जैसे सनातन गोस्वामी के क्लास में देखा कि उन्होंने कैसे रूप सनातन से मिले, आज हम देखेंगे कैसे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलते हैं, फिर आगे की क्लासेस जो होगी गोस्वामी के ऊपर। तो ऐसे एक एक करके उन्होंने 6 गोस्वामी को रिक्रूट किया और वृंदावन भेजा उन्होंने, और वहाँ पर उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वृंदावन जाके क्या करना है ना। वहाँ जाके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उनको मिले थे, डीटीस बनाने हैं, टेम्पल्स बनाने हैं, लीला स्थलियों को ढूंढना है, स्क्रिप्चर्स लिखने हैं, बहुत सारा टास्क था। तो एक मिशन के लिए गए थे वो। ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी ऐसा टास्क और मिशन दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो अब गोपाल भट्ट गोस्वामी, जैसे दो टाइप की, जैसे हम लोग जैसे हर बार क्लास सुनते हैं जनरली, वो भागवतम से होता है, भगवत गीता से होता है, या हम फिलोसॉफी कुछ सुनते हैं तो ग्रंथ से पढ़ते हैं, हम स्क्रिप्चर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो अधिकतर समय हम ग्रंथ भागवत पे फोकस करते हैं, उस पे पढ़ते हैं। भक्त भागवत मतलब कि भक्त चरित्र, भक्त के विषय में पढ़ना सुनना, डिवोटी, प्योर डिवोटीज के विषय में। तो उनके विषय में सुनने से हमें ज़्यादा प्योरिफिकेशन होता है, कृष्णा कथा से ज़्यादा पावरफुल है भक्त की कथा, है ना। और प्रभुपाल लीलामृत कैसा है? ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत दोनों है, ऐसा मैंने लेक्चर में सुना है। प्रभु बुक ग्रंथ भी है और भक्त की भी कथा है, तो ग्रंथ भागवत भक्त भागवत दोनों है, प्रभुपाल लीलामृत। और जो बीबीटी छापता है वो ग्रंथ भागवत, ये भी है। तो और भगवान खुद कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अंडर में रहता हूँ, है ना, आम भक्त पराधीना, है ना, भक्त के अंडर में मैं रहता हूँ। तो इसलिए डिवोटी का चरित्र हमारे लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भक्ति में एडवांस कर सकें अच्छे से। सो आज ऐसे भगवान के बहुत सारे अनेक भक्त हैं, उसमें से एक भक्त विशेष गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनका कल तिरुभाव दिवस है, कल के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो इसलिए आज हम ये क्लास कर रहे हैं ताकि कल हमारी वैसी कॉन्शियसनेस बिल्डअप हो पूरे दिन। और जैसे पता है कल भी 25 राउंड समय करने हैं, स्पेशली उनके रिमेम्बरेंस में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया में प्रकट हुए थे 1500 AD में, 1500 AD। साउथ इंडिया में बेलगुड़ी करके गांव है, कावेरी तट के किनारे, कावेरी नदी बहती है श्रीरंगम के अंदर, श्रीरंगम जहाँ रंगनाथ भगवान का विग्रह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था साउथ इंडियन। फिर रंगनाथ टेम्पल जो है भारत देश में
बड़े मंदिरों में, सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर छोटा है पर उसके कोर्टयार्ड जो बोलते हैं बहुत बड़ा है, 7 दीवारें हैं, एक एक करके इतना बड़ा मंदिर है। एरिया बड़ा है, मंदिर अंदर से छोटा है, साइज सो बिग और ह्यूज है। तो वहाँ पर वेंकट भट्ट वहाँ के हेड पुजारी थे रंगनाथ मंदिर के, और वो वर्शिप करते थे रंगनाथ जी के, और उनके पुत्र के रूप में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रकट हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे 1486 में, गोपाल भट्ट प्रकट हुए थे 1500 में, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उनके, क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं तो उनके पार्षद भी प्रकट होते हैं अलग अलग जगहों पर। तो 24 ईयर्स की एज तक चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम में रहे, वहाँ उनका जन्म स्थान था, उनका जहाँ पे। फिर 24 ईयर्स के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। उस समय उनके घर पे कौन रहता था? उनकी माता रहती थी और उनकी पत्नी रहती थी, उनके पिताजी नहीं थे। तो कुछ उन और कोई उनका दूसरा भाई नहीं था जो उनके वाइफ का और उनकी माता का ध्यान रखे, सिर्फ ये अकेले थे जो घर को चलाते थे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ज्वाइन हुए फुल टाइम, ऐसी सिचुएशन में भी हमको सिखा रहे हैं कैसी भी परिस्थिति हो भगवान की शरण हम लेंगे, एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड। कई बार लोग फुल टाइम जुड़ते बोलते हैं मैं अकेला सन हूँ, या मेरा लोन पेंडिंग है, या फिर और कौन ध्यान रखेगा। बट चैतन्य महाप्रभु इतने उदाहरण से सिखा रहे हैं, उनके घर पे कोई था नहीं और कोई अर्निंग करने वाला, उनके वाइफ और उनकी माता बस, फिर भी वो ज्वाइन हो गए। सो 24 ईयर्स की एज में वो गए। और मैं अभी आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ कि महाप्रभु साउथ इंडिया कैसे गए, फिर वहाँ से फिर गोपाल भट्ट का कनेक्शन आता है। वो साउथ इंडिया नहीं गए होते तो गोपाल भट्ट से नहीं मिलते, मैं वो भी वो स्टोरी आपको बता रहा हूँ। पहले तो संन्यास लिया उन्होंने 1510 में, 1510 में मकर संक्रांति के दिन, 14 या 15 जनवरी के आसपास। और संन्यास लेने के बाद वो सीधा चले गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जैसे गए वहाँ पे सबसे पहले जो व्यक्ति वो एनकाउंटर करते हैं वो होते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर के हेड प्रीस्ट हुआ करते थे, हेड पुजारी, और मायावादी थे वो। उस समय मायावादी शंकराचार्य का बहुत इन्फ्लुएंस था, वैष्णविज्म कुछ था नहीं खास। चैतन्य महाप्रभु आए उसके बाद ये सब स्टार्ट हुआ, वैष्णव कल्चर, वैष्णविज्म। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े स्कॉलर विद्वान थे। उस समय जगन्नाथ मंदिर का हेड पुजारी बनना मतलब सबसे बड़ी पोस्ट, ये IAS ये सब भी फीके उसके सामने, इतना बड़ा उसका वैल्यू था हेड पुजारी। क्योंकि ऐसे ही नहीं सिलेक्ट होता था जगन्नाथ मंदिर का हेड पुजारी उस समय, बहुत सारे इंटरव्यू टेस्ट और बहुत सारा देखा जाता था। तो इनको बनाया सार्वभौम भट्टाचार्य, और वो मायावादी थे, बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहनते थे, सोने की माला पहनते थे, और सभी लोगों को ट्रेन करते, इवन बड़े बड़े सन्यासी उनके यहाँ ट्रेनिंग लेने आते थे, मायावादी सन्यासी, ऐसी पर्सनालिटी थी वो, लोग लेक्चर रिस्पेक्ट करते थे उनको, पढ़ते सब लोग रिस्पेक्ट देते थे उनको। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आए वृंदावन में, और सॉरी जगन्नाथपुरी में, फर्स्ट किसको मिलते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य को। और सार्वभौम भट्टाचार्य को अपनी ह्यूमिलिटी से और अपने आइडल आचरण से उनको भक्त बना देते हैं। पूरा जगन्नाथपुरी शॉक्ड हो जाता है कि ये मायावादी सन्यासी जो अपने आप बहुत बड़े विद्वान थे आज एकदम हम्बल हो गए हैं, सबको हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हरे कृष्णा, सब लोग शॉक हो गए। प्रताप रुद्र राजा जो थे वो भी शॉक हो गए कि ये इनको क्या हो गया ना, सब लोग। और उनकी ह्यूमिलिटी को देख के सारे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, वो वैष्णव भक्त बन गए। पहले बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहनते थे, अभी एक सिंपल कंठी माला पहन रहे हैं, तिलक एक सिंपल लगा रहे हैं।
सब लोगों ने पूछा सारों भट्टाचार्य से कि आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया। सब उनको जो उनसे पास आउट स्टूडेंट्स थे या दूसरे लोग थे सब आ गए उनके पास मिलने। तो सारों भट्टाचार्य बोलते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं नवदीप से, ये साक्षात भगवान है और इनका संग लेके मैं इतना परिवर्तन हुआ। तो सब लोग ने रिक्वेस्ट किया सारों भट्टाचार्य को, हमको मिलना है चैतन्य महाप्रभु से, हमको भी मिलाइए चैतन्य महाप्रभु से, कि आपको ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया तो फिर हमें देखना है उस पर्सनालिटी को। तो चैतन्य महाप्रभु को पता था कि ये भक्त बन गए तो मेरा नेम फेम बढ़ जाएगा, फिर निकल गए तुरंत साउथ इंडिया उनको भक्त बना के। ये वन ऑफ द रीजन था चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया क्यों गए। एक रीजन था प्रीचिंग करना, एक्सपांड करना और अपने भाई विश्वरूप को ढूंढना। बट एक और रीजन ये भी था कि जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बनेंगे, सब लोग मेरे पास आएंगे, मेरा नेम फेम बढ़ाएंगे। तुरंत उनको भक्त बनाए अप्रैल महीने में, 1510 के अप्रैल महीने में, और अप्रैल एंड में वो फिर निकल गए साउथ इंडिया के लिए 1510 में। 2 साल तक उन्होंने साउथ इंडिया में ट्रैवल किया। तो जगन्नाथपुरी से आप अगर इंडिया का मैप ट्रेस करो तो ईस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्ट कोस्ट आता है, पूरा वैसा रूट है उनका। और कई गांवों को, गांव के गांव को उन्होंने भक्त बना दिया चैतन्य महाप्रभु ने। जिस गांव में जाते थे उनको लोग देखते थे सिर्फ, वो भक्त बन जाते थे। वो कीर्तन करते करते जाते थे, उनको कोई भी भक्त देखता था वो डिवोटी बन जाते थे। और वो भक्त फिर घर में जाता था, उसको देख के दूसरे भक्त, दूसरे मेंबर्स भक्त बन जाते थे। ऐसे पूरे गांव के गांव को कोरोना जैसे कैसे स्प्रेड हुआ था, इसको टच किया उसने, उसको टच किया, ऐसे पूरा पैंडेमिक हो गया था कृष्णा कॉन्शियसनेस का उस तरह से। तो ऐसे पूरा साउथ इंडिया उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड किया, केवल उनके दर्शन मात्र से लोग भक्त बन जाते थे। और जिसने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था उसका भी अगर कोई दर्शन कर लेता वो भी भक्त बन जाता था। ऐसा ही वॉज सच अ पावरफुल पर्सनैलिटी। फिर ऐसे गांव के गांव भक्त बना दिए और शहर भक्त बन गए। तो कब निकले थे वो? अप्रैल महीने में, ठीक है, अप्रैल में, जून, जुलाई, जुलाई में जब गुरु पूर्णिमा जिस दिन आती है, जो अभी गई आषाढ़ी पूर्णिमा 21 को गई, उस दिन वो श्री रंगम में पहुंचते हैं। टाइम लाइन से मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ है ना। तो अप्रैल में निकले, मैं पैदल चलना होता, उस समय कोई फ्लाइट ट्रेन गाड़ी कुछ नहीं था, पैदल चलते चलते जाते थे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आषाढ़ी पूर्णिमा श्री रंगम मंदिर पहुंचते हैं। अभी पूर्णिमा का दिन था वो, तो रघुनाथ मंदिर पूरा भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, क्योंकि पूर्णिमा के दिन इतनी बड़ी तिथि है, सब लोग आते हैं दर्शन करने। और तो एक्चुअली दर्शन करने से पहले वो जाते हैं कावेरी नदी में स्नान करने, क्योंकि प्रथा ये है कि कभी भी धाम यात्रा जाएं तो सबसे पहले वहां की पवित्र नदी में हमें स्नान करना चाहिए, फिर दर्शन करना चाहिए। तो कावेरी नदी में वो स्नान करते हैं, फिर वो श्री रंगम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। करोड़ लाखों की तादाद में भक्त लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने। और चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ एंटर होते हैं तो एक बहुत ही यू नो बहुत ही भव्य रूप से वो कीर्तन करते हैं। हर एक एक व्यक्ति, हर एक एक भक्त उधर श्री रंगम में आश्चर्यचकित हो जाता है चैतन्य महाप्रभु को देख के, कि ये कैसा संत है जो कीर्तन कर रहा है इतना जोर से और इतना भाव विभोर होके, और उनके यू नो शरीर के सारे बाल खड़े हो जाते हैं और आंसू निकलते हैं और जोर से कूदते हैं और चिल्लाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। ऐसा लगता था कि सोने का पर्वत कहीं से गिर गया है नीचे और वो डांस कर रहे हैं इस तरह से। चेतना गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था उनका।
तो ऐसे कीर्तन करते करते वो टेम्पल में एंटर करते हैं, टेम्पल हॉल में पहुंचते हैं वो। तो जैसे ही रंगनाथ जी का दर्शन करते हैं, उस समय वेंकट भट्ट वहाँ के जो हेड पुजारी होते थे, क्या हेड पुजारी को ज़्यादा पकड़ते थे चेतन्य महाप्रभु, कहीं भी जाते थे उसके हेड पुजारी को पकड़ते थे या फिर उस सिटी के लीडर को पकड़ते थे, ये उनका प्रीचिंग स्टाइल था। क्योंकि उनको पता था लीडर को पकड़ा तो पूरी प्रजा अपने आप भक्त बन जाएगी, लीडर्स पे बहुत फोकस किया। रूप सनातन भी लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रताप रुद्र राजा, गवर्नर उधर के राजा थे पूरी के, रामानंद राय गवर्नर थे मद्रास के, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस को उन्होंने भक्त बनाए, पॉलिटिशियंस को भक्त बनाया, और ऐसा भक्त बनाया कि वो पॉलिटिक्स भूल गए, प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करने लगे। अभी के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को अगर हम भक्त बनाएं, जो बहुत बड़े व्यक्ति है अभी के टाइम पे, इन दो को अगर भक्त बना दें, मतलब रूप सनातन जैसा हमने प्रीचिंग किया चेतन्य महापुर जैसा, और उन दोनों को बोले आप वृंदावन जाओ और वहां पर सो ऐसा प्रीचिंग था चेतन्य महापुर का ना, हम जो समझते हैं उसे भाव विभोर, वो खाली सेंटिमेंटल भक्त नहीं थे, वो सुपर इंटेलिजेंट, सुपर स्किलफुल थे चेतन्य महापुर। हमारी तरह भावुक भक्त नहीं थे, हम तो भावुक भी, इमेच्योर भावुकता है हमारे अंदर, बट ही वॉज वेरी लर्नेड स्कॉलर एट द सेम टाइम वेरी हम्बल और स्किलफुल। तो वेंकट भट्ट उस समय पूजा कर रहे थे श्री रंगनाथ जी की, एक्चुअली रंगनाथ जी का ये ड्यूटी है श्री रंगम में। तो ये श्री रंगम टेम्पल के अंदर का ये देख रहे हैं आप, विष्णु जी है वो लेटे हुए हैं और अनंत शेष पे ऊपर, तो इनकी वो वर्शिप करते थे, कौन, वेंकट भट्ट। तो कीर्तन करते करते अंदर गए, सब लोग अभी रंगनाथ का दर्शन नहीं कर रहे हैं, किसका दर्शन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का कर रहे हैं दर्शन, एक भगवान लेटे हुए हैं और एक भगवान नाच रहे हैं, ठीक है ना। तो सोते हुए व्यक्ति को कोई देखता नहीं है, नाचते हुए व्यक्ति को सब देखते हैं, इसलिए फिर सब लोग चेतन महाप्रभु को देख रहे थे, उनको दर्शन कर रहे थे। इवन वेंकट भट्ट भी पूजा तो इनकी कर रहे थे, पर उनका ध्यान पूरा चेतन महाप्रभु के ऊपर था, और उनको भी चिंता होने लगी आज डोनेशन आएगा कि नहीं, सब इसको देख रहे हैं, यहाँ कोई देख नहीं रहा है, आज पूर्णिमा है, बड़ी तिथि है, कैसे चलेगा आज, उनको भी थोड़ी चिंता होने लगी, बट एट द सेम टाइम उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन और डांस, और वो हेड पुजारी थे, उनको मैनेजमेंट भी देखना था थोड़ा। तो फिर आरती खत्म करके ऑल्टर के बाहर आते हैं, देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, देखते हैं वो सन्यासी है, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, और सन्यासी है और वेंकट भट्ट ग्रस्त थे, और ये फुटप्रिंट है चैतन्य महाप्रभु के, लोटस फीट का फुटप्रिंट श्री रंगम मंदिर में, वहां पर आए थे तो उनके फुटप्रिंट के चिन्ह हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस वेंकट भट्ट जब आते हैं, देखते हैं उधर सन्यासी आए हैं, तो ग्रस्त थे वेंकट भट्ट, तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज हमारे घर आइए, प्रसाद लीजिए ना। तो ये गृहस्थों का ड्यूटी होता है कि सन्यासी जब आ रहे तो उनको प्रसाद के लिए, इसलिए सन्यासी को कभी भी प्रसाद की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनका ऐसे व्यवस्था हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही पूरे ट्रैवलिंग में, कोई रेस्टोरेंट नहीं था, कोई इस्कॉन मंदिर गोविंददास नहीं था, कोई भी गृहस्थ भक्त ब्राह्मण होता था उसके घर पे वो प्रसाद लेते थे, तो उन्होंने देखा कि हेड पुजारी है, ब्राह्मणा है, इनवाइट कर रहे हैं, जाना चाहिए प्रसाद के लिए। चैतन्य महाप्रभु उनके एक सर्वेंट होते थे, कुछ लोग बोलते हैं गोविंद सर्वेंट आया था उनके साथ, कुछ लोग बोलते हैं काल कृष्णदास आया था उनके साथ, कोई भी एक सर्वेंट था मतलब, तो काल कृष्णदास था मेरे हिसाब से। तो घर पे बुलाते हैं उनको और उनका स्वागत करते हैं, एक वैष्णव कल्चर है कि
कोई भी आए सन्यासी, उनके पाद प्रक्षालन होते हैं, उनका वर्षिप होता है, उनको गार्लैंड पहनाते हैं, उनसे कुछ आशीर्वचन सुनते हैं, फिर उनको प्रसाद ऑफर करते हैं। ऐसा वैष्णव कल्चर में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु को चरणामृत पूरा उनका चरण पादुका सब साफ किया और चरणामृत, तो ये चरणामृत फिर वेंकट भट्ट ने अपने परिवार वालों को दिया। उसमें से उनका पुत्र था एक गोपाल करके, वो गोपाल को ये चरणामृत दिया गया। उस समय उनकी उम्र, गोपाल की उम्र थी, यही गोपाल फिर आगे गोपाल भट्ट गोस्वामी बनते हैं, उनकी उम्र होती है 11 साल के आसपास, 11-12 साल के आसपास, क्योंकि 1500 में बॉर्न हुए, वो 1511 में गए, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं 11 के आसपास। जैसे ही चरणामृत का लिया उन्होंने, तो उनके अंदर एक्स्टेटिक इमोशंस डेवलप हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के, आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर में रोमांच कंपा होने लगा, तो सब लोग सरप्राइज हो गए गोपाल को देख के इस प्रकार से, और वो अनकॉन्शियस हो गए। तो सब लोग बोले चरणामृत में कुछ मिक्स किया था क्या, कि कुछ डाल दिया, इनका ऐसा हाल हो गया। तो कोई उठा ही नहीं गोपाल। चैतन्य महाप्रभु फिर गोपाल के सर पे अपने लोटस फीट रखते हैं, फिर वो कॉन्शियसनेस में आते हैं, और फिर पता चलता है कि इन दोनों का खास कनेक्शन है ना, दोनों इंटीमेटली कनेक्टेड हैं। तो वेंकट भट्ट को रियलाइज हुआ कि उनका जो पुत्र है, उनके अंदर नेचुरली कृष्णा के प्रति भक्ति है, क्योंकि जब 4 साल के थे गोपाल भट्ट, तो उनको वेंकट भट्ट ले गए थे जगन्नाथपुरी दर्शन करवाने, 4 साल के जब थे। तो जैसे ही जगन्नाथ जी का उन्होंने दर्शन किया, वहां पे भी सेम एक्सटेटिक इमोशंस और भाव विभोर हो गए और नाचने लगे, डांस करने लगे, कीर्तन करने लगे। तो वहां से उनको ये पता चला कि ये जो गोपाल है, ये नेचुरली कृष्णा भक्ति इसके अंदर है। तो जब ये एपिसोड उन्होंने देखा कि फिर से ये चरणामृत लिया और फिर ये प्रकार का इस प्रकार से हुआ, तो इन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु को बोला कि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी चतुर्मास शुरू हुआ, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा, चतुर्मास वहाँ से शुरू हो जाता है, तो रिक्वेस्ट किया कि आप 4 महीना है चतुर्मास से ट्रैवलिंग करते नहीं है सन्यासी, तो आप प्लीज़ हमारे घर रुकिए और यहाँ पर 4 महीने आप स्पेंड कीजिए। तो चतुर्मास कैसा होता है, 4 महीने बारिश होती है, इसलिए सन्यासी ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय एक तो क्या रोड और ये सब तो होते नहीं थे, तो सब सब जगह मिट्टी वाले और सारे कीचड़ हो जाता था, इसलिए वो लोग ट्रैवल नहीं करते थे, इसलिए वो एक स्थान पे रुकते थे, और 4 महीना उस समय बारिश होती थी। और बारिश कैसी होती थी, दिन में बारिश नहीं होती थी, रात को बारिश होती थी। एक्चुअल बारिश रात को होती है, दिन में नहीं होती कभी। अगर यज्ञ से जो भी बारिश होती है, वो हमेशा रात को होगी, दिन में नो बारिश। तो अभी तो कैसा है कि बारिश के बादल आते हैं, हम पे थोड़ा हंसते हैं और चले जाते हैं, बारिश ही नहीं होती, मजाक है अभी, क्योंकि कोई यज्ञ नहीं करता है। अभी देखो आज कैसे बारिश हो रही है, दिन में बस ऐसे ही पूरे दिन आज बारिश हुई बट उस समय रात को बारिश होती थी, दिन में क्लीन रहता था। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे 6 महीने फिर क्या एग्री होते हैं, वेंकट भट्ट को बोलते हैं ओके आई विल स्टे। तो 4 महीने चैतन्य महाप्रभु स्टे करते हैं वेंकट भट्ट के घर, और स्टे करते हैं, सारे गांव को पता चलता है कि महाप्रभु इनके घर रुके हैं, तो सब लोग अपना इनविटेशन देने लगे, हजारों संख्या के ब्राह्मण लेते थे उधर। तो अभी 4 महीने मतलब 120 दिन, कितने, 30 × 4, हाँ 120 डेज, तो 120 दिन हैं, हजारों ब्राह्मणा हैं, कैसे प्रसाद का इनविटेशन एक्सेप्ट किया जाए। तो महाप्रभु ने कैसा डिवाइस बनाया कि 100-200 ब्राह्मण लोग एक साथ भोजन बनाए और वो ऑफर करें, ऐसे करके सभी का इनविटेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया। पूरे 4 महीने में सिर्फ एक ही दिन वेंकट भट्ट के घर उन्होंने प्रसाद लिया, बाकी सब जगह अलग अलग।
और वेंकट भट्ट ने दूसरा रिक्वेस्ट ये किया कि ये गोपाल है, ये आपका असिस्टेंट रहेगा 4 महीने, ये आप जिधर भी जाओगे ये आपके साथ रहेगा, आप कीर्तन करोगे, आपका जो भी सामान है वो संभालेगा, आपका मसाज करेगा और कपड़े धोना, मिनियल सर्विसेज सारी ना असिस्टेंट के रूप में जाते हैं। तो गोपाल भट्ट को ऐसे 4 मंथ्स तक कंटिन्यूस न्यू भक्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया उन्होंने, और पूरा ट्रेनिंग चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली उनको दिया कैसे अच्छे से डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं। और जो भी चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेते थे उनका महाप्रसाद के फॉर्म में गोपाल भट्ट ग्रहण करते थे। तो 4 महीने 24 आवर्स गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट महाप्रभु की सर्विस में थे। और सर्विस के दौरान चैतन्य महाप्रभु के जो सर्वेंट थे वो गोपाल भट्ट को महाप्रभु की नवदीप लीला बताते रहते थे कि जब महाप्रभु छोटे थे नवदीप में तो क्या करते थे, तो गोपाल भट्ट उसको सुनते रहते थे, वो उनका हियरिंग होता था। तो ऐसी बहुत सारी लीला श्रवण करने के बाद गोपाल भट्ट को इतना दुख हुआ कि मेरा जन्म साउथ इंडिया में क्यों हुआ, क्यों मेरा जन्म नवदीप में नहीं हुआ, क्यों मैं चैतन्य महाप्रभु के वो जो उनके हेयर्स थे घुंघराले बाल, उनका दर्शन नहीं कर पाया, वो जिस प्रकार से वहाँ कीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में वो दर्शन में क्यों नहीं कर पाया, मुझे ये संन्यास का दर्शन करने मिल रहा है। बेसिकली डिवोटीज जो होते हैं गौड़िया वैष्णव होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास फॉर्म की वर्शिप नहीं करते हैं। वो नवदीप में जो गौरांग महाप्रभु है बड़े घुंघराले भाल वाले उनका वर्शिप करते हैं, है ना। मायापुर में भी इवन यहाँ पर भी आप देखें तो संन्यास फॉर्म वर्शिप नहीं होता है उनका, नवदीप फॉर्म वर्शिप होता है हमेशा। तो गोपाल भट्ट को इसलिए बहुत दुख होता था कि मुझे वो वाला दर्शन नहीं हुआ प्राप्त, तो ऐसे बहुत दुख होता था उनको, बहुत कोसते थे और ऐसे उनसे लीला भी श्रवण करते थे। तो एक दिन गोपाल भट्ट को सपने में चैतन्य महाप्रभु ने अपना गौरांग स्वरूप दिखाया, है ना, सपने में, क्योंकि दिन रात उनके साथ उनका ही वो चिंतन करते थे, उनसे श्रवण करते थे, तो उनके सपने में एक बार ऐसा उनको दर्शन प्राप्त हुआ। और फिर जब वो उठे नींद से तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं सपना बताने, तो जैसे ही जाते हैं सपना बताने तो चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखते उनको, श्याम सुंदर 2 हैंडेड फॉर्म दिखते हैं दर्शन। तो इससे उनको महाप्रभु ने बताया कि आई एम दैट सेम मुझे कृष्णा एंड आई एम द सेम गौरांग, और नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा इस प्रकार। सो महाप्रभु फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोलते हैं कि ये टॉप सीक्रेट है, आपको अभी किसी को बताना नहीं है कि मैं ही कृष्णा हूँ ना। सो गोपाल भट्ट भी एग्री करते हैं, ठीक है आई विल नॉट स्पीक। और ऐसे करते फिर 4 महीने पूरे होते हैं, महाप्रभु के जाने का समय आता है, गोपाल भट्ट रोने जैसे हो जाते हैं, सेपरेशन फील होने लगता है, वो बोलते हैं मैं भी चलूँगा आपके साथ ट्रैवलिंग में। महाप्रभु उनको बोलते हैं नहीं आप अभी फुल टाइम मत ज्वाइन करो, घर पे रहो, आप पेरेंट्स को सर्व करो, आपके पेरेंट्स जब तक है तब तक उनकी सेवा करो, जब वो छोड़ दें शरीर फिर तुम आना मेरे पास, है ना। तो ये इंस्ट्रक्शंस थे। एक्चुअली गोपाल भट्ट गोस्वामी सबसे फर्स्ट गोस्वामी थे जो महाप्रभु से मिले, अभी तक चैतन्य महाप्रभु किसी और गोस्वामी से नहीं मिले थे, सबसे फर्स्ट किसको मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी को, क्योंकि साउथ इंडिया तुरंत निकल जाते हैं, फिर 2 साल बाद वापस जगन्नाथपुरी आते हैं, फिर जब वृंदावन जाते हैं तब रूप सनातन को मिलते हैं, तक रूप सनातन को नहीं मिला होता है उन्होंने, तो फर्स्ट मिलते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी का। तो वो उनको बोलते हैं कि आप घर पे रहो, यहाँ पे सर्व करो, और जब अच्छा समय आए फिर आप आना और फिर आप मेरी सर्विस में फिर से एंगेज हो सकते हो। तो पर वेंकट भट्ट ने बहुत रिक्वेस्ट किया महाप्रभु को, प्लीज आप एटलीस्ट 1 वीक तो रुक जाओ,
तो कार्तिक खत्म हो जाता है, भीष्म पंचक पूरा हो जाता है, फिर भी 1 वीक रुकते हैं, और वो 1 वीक फिर महाप्रभु ठीक है एक्सटेंड करते हैं अपना स्टे, और वो 1 वीक में बहुत अच्छा कन्वर्सेशन होता है महाप्रभु का और वेंकट भट्ट का। एक्चुअली वेंकट भट्ट होते हैं रामानुजा संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से, नारायण फॉर्म को वर्शिप करते हैं वो लोग साउथ इंडिया में, जो श्रीरंगम के जो लोग हैं वो सब रामानुजाचार्य यमुनाचार्य ये परंपरा में आते हैं, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी संप्रदाय से, तो ये लोग नारायण को वर्शिप करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु है ना मध्वा संप्रदाय कृष्णा को वर्शिप करते हैं। तो इनमें कन्वर्सेशन होता है बहुत सुंदर, जो कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतावन में बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। तो ब्रीफ में जस्ट कन्वर्सेशन बताता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं वेंकट भट्ट से कि लक्ष्मी जो है नारायण की पत्नी है, ठीक है, और हमेशा नारायण के पास रहती है, तो लक्ष्मी फिर नारायण को छोड़ के क्यों कृष्णा के पास जाना चाहती है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। वेंकट भट्ट बोलते हैं उसमें गलत क्या है, नारायण और कृष्णा एक ही पर्सनालिटी है, कोई अंतर नहीं है, तो लक्ष्मी जो है नारायण को जैसे एक्सेप्ट करती है वैसे कृष्णा को एक्सेप्ट करती है, वही व्यक्ति जो घर पर उसका हस्बैंड है वही व्यक्ति हाई कोर्ट में जज है, सेम ही व्यक्ति है, क्या अंतर है उस इसमें, उनकी जो सती व्रता जो है वो भंग नहीं होती है। तो श्री संप्रदाय वाले जो है लक्ष्मी नारायण को वर्शिप करते हैं, राधा कृष्णा को नहीं। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है एग्री के लक्ष्मी जो है बहुत चेष्ट है, बट जब वो वृंदावन जाती है तो उनको रासलीला में एंट्री नहीं मिलता है, तो क्यों ऐसा। हाँ बेलवन में जाओगे वहाँ पे लक्ष्मी देवी अभी भी तपस्या कर रही है कि उनको रासलीला में एंट्री मिले, तो अभी आप बताओ वेंकट भट्ट क्यों लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिलता है रासलीला में। तो वेंकट भट्ट फिर बोलते हैं कि यहाँ पर मैं समझ, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है, यहाँ पे मेरी बुद्धि काम नहीं करती, आप बताइए आपको उसका आंसर पता होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि लक्ष्मी जी जो है वो ऐश्वर्य भाव में है, ऑपुलेंस वाला भाव है उनका, और वृंदावन जो है माधुर्य वाला भाव है, स्वीटनेस वाला भाव है ना। 1 मिनट, ओके सो पॉइंट क्या बोला था लास्ट में, ऑपुलेंस भाव है लक्ष्मी का, तो इसलिए उनको एंट्री नहीं मिलती है वृंदावन में। तो माधुर्य रस एक्चुअली क्या है, वृंदावन में जितनी भी गोपियां हैं सब गाय चराते हैं, गाय से दूध निकालते हैं, और एकदम सिंपल ड्रेस पहनते हैं, और फ्लावर से अपने बॉडी को सजाते हैं, बट लक्ष्मी देवी का ऐसा मूड नहीं है, उनको तो एकदम ऑपुलेंट ड्रेस चाहिए और गहना और ये सब ना प्रॉपर एकदम ऐश्वर्य वाला चाहिए। तो वो गिव अप जब वो करेगी तब उनको वृंदावन में एंट्री मिलेगी, तो वो इस वजह से लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिल रही है रासलीला में। और कृष्णा भी कैसे गोप वाला फॉर्म है उनका, तो एक गोप जो है वो गोपी से अट्रैक्ट होगा, वो साउथ इंडियन, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन चाइनीज से मैच नहीं होगा, गोप को गोपी ही पसंद आएगी, ठीक है। तो जो मूड कृष्णा का है वही सेम मूड गोपी का है, पर लक्ष्मी देवी इनकम्पैटिबल है, इसलिए उनको तपस्या करनी पड़ेगी, कर रही है वो अभी भी कर रही है बेल वन में लक्ष्मी जी के, उनको
एंट्री मिले रासलीला में। तो कृष्णा लीला जो है वो एकदम यूनिक है, और वहां से फिर वेंकट भट्ट कन्विंस होते हैं कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, नॉट नारायण। और इस तरह से वेंकट भट्ट को भी वो कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी संप्रदाय में। ये महाप्रभु का प्रीचिंग है। वेंकट भट्ट के दो भाई और होते हैं, एक तिरुमल भट्ट और एक प्रबुद्ध भट्ट। तीनों भाई को अपने संप्रदाय में ले लेते हैं वो सिख संप्रदाय से। और प्रबुद्ध भट्ट जो होते हैं वो मतलब गोपाल भट्ट के अंकल, वो फिर आगे चल के सन्यास, वो एक्चुअली में सन्यासी होते हैं श्री संप्रदाय के, तो सन्यासी को भी कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। उनका नाम होता है प्रबोधानंद सरस्वती, हम लोगों ने सुना होगा उनका नाम। तो ही वॉज अंकल ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी। और वो फिर बाद में क्योंकि सन्यासी होते हैं वो फिर चले जाते हैं महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वृंदावन, और वहाँ पर वो अपने बहुत सारी बुक्स तक उन्होंने लिखी होती है प्रबोधानंद सरस्वती। तो ये 1 वीक के स्टे में महाप्रभु ने सोचा कि ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, चतुर्मास हो गया है, ट्रैवलिंग भी बंद है, लेट्स डू प्रीचिंग। वेंकट भट्ट को इस तरह से उन्होंने कन्वर्ट किया अपने संप्रदाय में। सो वेंकट भट्ट फिर बोलते हैं कि ये मेरा पुत्र है गोपाल भट्ट, तो आप प्लीज इसको ब्लेसिंग दो, और मेरी इच्छा ये है कि ये आपके साथ फुल टाइम ज्वाइन हो जाए ऐसा करके। तो पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं, और महाप्रभु भी उनको बोलते हैं कि आप इनको सर्व करो, फिर आप वापस आ जाना। तो गोपाल भट्ट फिर महाप्रभु निकल जाते हैं आगे साउथ इंडिया यात्रा में। गोपाल भट्ट घर पे ही रहते हैं, अपने पेरेंट्स को सर्व करते हैं, और जब उनके पेरेंट्स शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो गोपाल भट्ट सीधा फिर निकलते हैं महाप्रभु को मिलने ना। एक्चुअली गोपाल भट्ट जाते हैं वृंदावन, पुरी में नहीं, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन क्या मिला होता है कि आप वृंदावन जाना रूप सनातन के पास। तब तक रूप सनातन को मिल लिया होता है महाप्रभु ने, जब वो वृंदावन के लिए निकलते 1515 में के आसपास, 14 या 15 के आसपास। तो वहां पर जब रूप और सनातन को डिवोटी बनाते हैं चैतन्य महाप्रभु, उधर बोलते हैं वो उनको बता देते हैं पहले से कि गोपाल भट्ट नाम का एक डिवोटी आएगा, आप उनको अपनी कस्टडी में रखना और उनको अपना एसोसिएशन देना और उनको सर्विस में एंगेज करना। वहाँ उनको बोल के आ जाते हैं रूप सनातन को बोल के, फिर वापस जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोल के जाते हैं कि आप जब फुल टाइम आ जाओ तो वृंदावन आना, वहाँ रूप सनातन मिलेंगे तुम्हें एंड उनके साथ तुम सर्व करना। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी जगन्नाथपुरी नहीं जाते महाप्रभु से मिलने, सीधा कहाँ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करते हैं। वाणी सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट देन वक्तु सेवा, ये गोपाल भट्ट, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने लाइफ में सिर्फ वो 4 महीने ही बिताए थे महाप्रभु के साथ, फिर कभी उनको पर्सनल एसोसिएशन नहीं हुआ था उनका गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी वॉज फोकस्ड के वाणी सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इंस्ट्रक्शन जो आदेश मिला है, उपदेश मिला है, वो फॉलो करना है, तो इसलिए वो जाते हैं सीधा वृंदावन। और वृंदावन जैसे ही पहुंचते हैं तो उस जब वो पहुंच रहे ही होते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उस समय लेटर लिख रहे होते हैं चैतन्य महाप्रभु को। लेटर में क्या लिखते हैं कि आपने जो कहा था गोपाल भट्ट गोस्वामी है जो आने वाले हैं वो आ चुके हैं, और ऐसा वो लेटर लिख रहे होते हैं। तब उनकी एंट्री भी होती है साथ साथ। और यहाँ पर जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ मंदिर में गदाधर पंडित के साथ भागवतम पढ़ते थे एग्जाम में, तो उस भागवतम क्लास में बैठे थे और अचानक बीच में उन्होंने बोला कि मुझे गोपाल का कोई न्यूज़ नहीं मिला है, वो पहुंचा है वृंदावन नहीं गया है, रूप सनातन से कुछ खबर नहीं आई है मुझे। तो जब ये बात कर रहे थे महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ, उसी समय एक मैसेंजर आता है चिट्ठी लेके रूप गोस्वामी की, और उस चिट्ठी में ये लिखा होता है कि गोपाल भट्ट जो है पहुंच गए।
ना, तो सब परफेक्ट टाइम पे होता है वहाँ पे। वो लेटर तब लिखते हैं जब वो पहुँच ही गए होते हैं, और मीन वाइल जब लेटर उधर से इधर आता है उस समय चैतन्य महाप्रभु डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या न्यूज़ है गोपाल का। तो और लेटर कैसा है, तुरंत नहीं पहुंचता है उस समय, तो कुछ पोस्ट था नहीं, ईमेल था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, कुछ भी नहीं, काफ़ी समय लगता था, मैसेंजर के थ्रू भेजा जाता था लेटर। कुछ लोग कबूतर का भी यूज़ करते थे, पर वो रिस्की था, कहीं लेटर गिर गया उसके मुंह से इधर उधर, तो मैसेंजर के हाथ से भेजा जाता था लेटर। तो महाप्रभु को जब ये न्यूज़ मिलता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी पहुंच गए हैं वृंदावन, तो बहुत खुश होते हैं, और उस मैसेंजर को वो गिफ्ट देते हैं कि तुम जाओ वापस वृंदावन और ये गिफ्ट देना मेरी तरफ से गोपाल भट्ट गोस्वामी को। गिफ्ट में क्या देते हैं, वो पॉपिन देते हैं अपना, और एक आउटर गारमेंट मतलब शॉल देते हैं, और एक वुडन सीट देते हैं। ये तीन गिफ्ट देते हैं उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो ये गिफ्ट तो उनको भेज देते हैं। मीनवाइल रूप सनातन गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोलते हैं कि आप एक्चुअली, गोपाल भट्ट गोस्वामी एकदम प्योर ब्राह्मणा फैमिली से थे, उस समय जब वो छोटे थे तो अपने अंकल के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते क्योंकि वो सन्यासी थे, कौन, प्रबोधानंद सरस्वती। तो उन्होंने उनको छोटी आयु में सारे शास्त्र सिखा दिए थे, सारे न्याय शास्त्र और संस्कृति, जितनी भी चीज़ें हैं संस्कृत नॉलेज सब कुछ दे दिया था, सारे एकदम परफेक्ट लर्नेड स्कॉलर बना लिया था गोपाल भट्ट को उन्होंने। तो डीटी वर्शिप में काफ़ी रुचि रखते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो इसलिए उन्होंने रूप सनातन ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा गोविंद मंदिर का हेड पुजारी बनाया था। तो वृंदावन में जो राधा गोविंद टेम्पल है उनकी वो वर्शिप करते थे। और जब उनको गिफ्ट मिलता है महाप्रभु का, मैसेंजर लेके आता है, तो हर एक के गिफ्ट को वो प्रणाम करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, जो भी गिफ्ट उन्होंने भेजा होता है। तो उनको ऐसा मर्सी फॉर्म में, प्रसाद के फॉर्म में उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से रूप सनातन के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, हर रात वो अलग अलग कुंड में बिताते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, वृंदावन के 12 फॉरेस्ट की परिक्रमा करते थे, और हर एक एक स्पॉट पर रुकते थे, वहाँ शास्त्र पढ़ते थे, शास्त्रों को लिखते थे, पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया वृंदावन में। तो ऐसे टाइम स्पेंड करते करते एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को एक सपना आता है। उस सपने में महाप्रभु उनको आते हैं और बोलते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप शालिग्राम शिला की वर्शिप करो, ऐसा उनको सपना आदेश मिलता है। तो उस समय शालिग्राम शिला लेना आसान नहीं था, डिफिकल्ट था। महाप्रभु ने उनको बोला था कि आप जाओ शालिग्राम लेने, कहाँ, गंडकी नदी, नेपाल के साइड हिमालयों में, वहाँ ना गंडकी नदी है, वहाँ से आपको शालिग्राम शिला मिलेगी और उनको तो मैं आप वर्शिप करनी है। अच्छा तो ये इंस्ट्रक्शन गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलता है, तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और निकलते हैं फिर वो हिमालय की ओर। तो जब निकल रहे होते हैं तो ऑन द वे रास्ते पे हरिद्वार पहुंचते हैं, और वहां पर देववंदिया ग्राम नाम का एक गांव आता है, सरनपुरन करके, वहां पर उनका स्टे होता है क्योंकि पैदल चलते चलते रात रुकते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट डे, फिर रात रुकते हैं नेक्स्ट डे आगे चलते हैं, तो ऐसे करके एक गांव आता है ये देववंदिया ग्राम, ऐसा ना अभी भी वो गांव है, मैंने मैप में सर्च किया वो कि है कि नहीं, तो हरिद्वार के आसपास ही वो गांव है। तो वहाँ पर उनका अच्छे से स्वागत हुआ, और वहाँ पर एक भक्त से मिलते हैं, ब्राह्मण भक्त होते हैं, माधव प्रसाद शर्मा। ये सारा स्टोरी भक्ति रत्नाकर में दिया है, वेदाबेस में आपको मिलेगा ये स्टोरी पूरा। तो माधव प्रसाद शर्मा को वो मिलते हैं और वो उनको इनवाइट करते हैं अपने घर पे कि आप यहाँ स्टे करो आज, प्रसाद लो, और
उनको क्या कोई पुत्र नहीं होता है माधव शर्मा को, तो गोपाल भट्ट उनको बहुत दुख होता है उस चीज का, वो दुख जाहिर करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को इस तरह से। तो फिर जब अगले दिन सुबह होती है, गोपाल भट्ट गोस्वामी को अच्छे से पूरा सर्व करते हैं, उनके कपड़े, उनका प्रसाद, एकोमोडेशन सब कुछ करके प्रसन्न होते हैं बहुत। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको ब्लेसिंग देते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको पुत्र हो जो कृष्णा का बहुत महान भक्त बने ऐसा। तो फिर माधव प्रसाद बोलते हैं कि अगर मुझे ये वरदान मिलता है तो मेरा पहला पुत्र जो होगा मैं आपको सर्विस में, आपकी सर्विस में एंगेज करूंगा, आप उनको कृष्णा की सेवा में लगाना, ऐसा वो उनको बोलते हैं। ये बोल के गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर माधव शर्मा, प्रसाद शर्मा जो होते हैं, उनको दो पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है गोपीनाथ शर्मा, दूसरे का नाम होता है दामोदर शर्मा। ठीक है, ये यहाँ पे स्टोरी अभी हम पॉज करते हैं, यहाँ पर ये यह हुआ। ठीक है, गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर यहाँ से निकलते हैं आगे हिमालय की ओर। हिमालय पे पहुँचते हैं, गंडकी नदी पे पहुँचते हैं, और वहाँ पर वो जब जाते हैं तो नदी में ऐसे हाथ रखते हैं तो उनके हाथ में अपने आप शालिग्राम शिला आ जाती है। तो फिर से वो उसको शिला को पानी में डाल देते हैं। उन्होंने सोचा रैंडमली कोई भी आ गए, और फिर से वो हाथ डालते हैं, फिर से वापस वही की सेम शिला आती है, क्योंकि वो फ्लो करती है नदी, तो शालिग्राम शिला भी मूवमेंट्स होती रहती है। तो ऐसा 3 बार क्या, तीनों बार सेम शिला उनके हाथ में आती है, तो वो समझ जाते हैं कि ये स्पेशल शिला है। तो ऐसे 12 शिलाओं को वो कलेक्ट करते हैं, 12 शिला, और उनको वो कैसे एक कपड़े में बांध देते हैं, और वो कपड़े में बांध के वो फिर ले जाते हैं वापस। तो वो शालिग्राम शिला पोटली में बांध के वापस फिर वो वृंदावन में आते हैं, रूप सनातन को बताते हैं कि इस प्रकार से शिला मिली है। महाप्रभु उनको सपने में ये भी बोलते हैं कि जो तुम्हें फर्स्ट शिला मिलेगी वो दामोदर शिला होगी। एक्चुअली शालिग्राम शिला जो होती है अलग अलग टाइप की होती है, नरसिंह शिला होती है, दामोदर शिला होती है, कुर्मा शिला होती है, मत्स्य शिला होती है, अलग अलग इस प्रकार से शिलाएं होती है। तो इनको बोला था कि फर्स्ट शिला जो मिलेगी वो दामोदर शिला होगी। और दामोदर शिला कैसे होती है कि उसके वो शिला जो होती है पत्थर, ब्लैक स्टोन्स होते हैं वो सारे शालिग्राम शिला, तो वो शिला पे क्या एक स्पेशल वाइट कलर का लेयर होता है, लेयर नहीं मतलब एक थिन रस्सी जैसा पतला, जैसे दामोदर भगवान को कैसे बांधते हैं वैसा एकदम नेचुरल वाइट स्ट्रैंड वहां पे उसके इन सर्कल होता है। वो पेंटिंग से नहीं बनाया होता है, नेचुरल वाइट कलर के पत्थर जैसा ही एकदम पतला, उसको दामोदर शिला बोलते हैं। वो दामोदर शिला से उनको डीटी मिलेंगे आगे फ्यूचर में, स्टोरी आएगा भी उसका आगे। तो ये आते हैं वृंदावन, तो अभी तब तक सारे गोस्वामियों को अपने अपने विग्रह मिल जाते हैं। सनातन गोस्वामी को मदन मोहन विग्रह मिल जाते हैं, रूप गोस्वामी को गोविंद जी विग्रह मिल जाते हैं, और मधु पंडित को गोपीनाथ विग्रह मिल जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग गोस्वामी, जीव गोस्वामी को राधा दामोदर विग्रह मिल जाते हैं। इनके पास कोई विग्रह नहीं होता है, इनके पास तो क्या शिला होती है। एक दिन एक धनी बिजनेसमैन आता है वृंदावन में, और वो देखता है वृंदावन के अलग अलग मंदिरों को दर्शन करने जाता है, और सभी मंदिर में डोनेशन दे रहा होता है, क्योंकि उस समय कैसा हिंदू लोग जो होते थे मंदिर जाते थे, तीर्थ स्थान में जाते थे, मंदिरों का दर्शन करते थे और डोनेट करते थे। तो ये इसने क्या डोनेशन में क्या दिया, उसने भगवान के सारे आभूषण, अलंकार, वस्त्र, लूट, मुकुट, गहने, ये सब दिए उन्हें। जैसे अलग अलग मंदिरों में दे रहा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी से भी वो मिलते हैं, तो उनको भी वो गिफ्ट करते हैं कि ये भगवान के लिए डीटी पैराफर्नेलिया है जिसमें मुकुट है और फ्लूट है,
कपड़े हैं, पायल हैं, नेकलेस है, ये सब लेते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचते हैं मैं तो इनका क्या करूंगा, मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, ये थोड़ी ना शालिग्राम शिला है, इनको तो खाली तुलसी और गंगा जल चाहिए, यमुना जल, उससे वही वर्षिप है उनका। तो उनको ऐसा होता है कि काश मेरे पास भी अगर डीटीज होते तो मैं उनको ये पहनाता। अब उस दिन क्या नरसिम्हा चतुर्दशी थी, जिस दिन वो आया था डोनेशन देने, डोनेट करने सब, उस दिन नरसिम्हा चतुर्दशी थी। नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्लास दिया नरसिम्हा चतुर्दशी का, स्पेशल क्लास ऑन नरसिम्हा चतुर्दशी। तो क्लास देते हैं, उसमें क्लास में पूरी नरसिंह कथा बताते हैं किस तरह प्रहलाद महाराज की भक्ति से नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए, और प्रहलाद की प्रसन्नता के लिए नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए, ऐसा इसको बहुत एम्फेसिस किया पूरी लीला में अपने कथा क्लास के अंदर उन्होंने। और क्लास खत्म होता है, फिर वो सोचते हैं कि भगवान खंबे से प्रकट हुए हैं तो शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसा वो सोचने लगे उनके माइंड में, क्योंकि कथा इतनी रोचक वे से बोली कि उनके माइंड में वो चल ही रहा था मेडिटेशन। बट प्रहलाद के लिए वो प्रकट हुए, मेरे लिए वो प्रकट नहीं हुए, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भक्ति नहीं है इसलिए वो नहीं प्रकट हो रहे हैं, ऐसा हम्बल वे से उन्होंने मेडिटेट किया। प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, प्रहलाद के अंदर शुद्ध भक्ति थी, मेरे लिए वो प्रकट नहीं हो रहे क्योंकि मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है। तो ऐसा लेमेंटेशन और ऐसे हम्बलनेस के साथ वो सोने चले जाते हैं, ठीक है। और फिर जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं उसमें से जो दामोदर शिला होती है उसमें से विग्रह मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वो शिला से पूरा विग्रह मैनिफेस्ट हो जाता है। सुबह जब उठ के वो देखते हैं तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। तो देखते हैं जब ये विग्रह मैनिफेस्ट हो गए, सारे ब्रजवासी और सारे 6 गोस्वामी वहां आ जाते हैं वहां पर, तो देखने कि कितना सुंदर विग्रह है ये। और तो ये बहुत सुंदर विग्रह है, राधा रमन इनका नाम पड़ता है, राधा रमन जी की, जोर से बोलना है। यस, राधा रमण जी की जय। तो ये डीटी इतना ब्यूटीफुल होता है और इतना सॉफ्ट नहीं, स्मूथ होता है बहुत एकदम, जैसे भगवान कृष्ण के जो विग्रह होते हैं जनरली उनकी उंगलियां कैसी होती है, एकदम ऐसे चिपकी हुई होती है अगर विग्रह, पर इनकी एकदम प्रिसाइज थी, उंगलियों के बीच में गैप्स थे ना फ्लूट डालने के लिए, एकदम ऐसा लगता है एकदम बारीकी से प्रिसाइज वे से बनाए हैं। अभी के भी पुजारी जो है वो उनपे जब ऑयल मसाज करते हैं राधा रमन डीटीज का, तो ये डीटी है आप देख सकते हैं राधा रमन एग्जैक्ट। तो इनका जब ऑयल मसाज करते हैं तो पुजारी को ऐसे फील होता है कि सॉफ्ट स्किन को टच कर रहे हैं। तो ये वृंदावन में ये विग्रह है, अभी भी प्रसिद्ध मंदिर है राधा रमन मंदिर। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया गया था उस समय जब ये विग्रह मैनिफेस्ट हुआ था, कितना या तो इस तरह से बड़ा उत्सव मनाया गया था कि राधा रमन, इस डीटी का इंस्टॉलेशन हुआ था। अब ये कब हुआ था, नरसिंह चतुर्दशी के दिन उन्होंने क्लास दिया, रात को सोए वो, नेक्स्ट डे जब उठे, मतलब चतुर्दशी का जो नेक्स्ट दिन होता है वो पूर्णिमा होता है, 15th डे पूर्णिमा, तो वैशाख पूर्णिमा थी वो, मतलब साल में भूल गया कौन सा था, बट उस दिन पूर्णिमा के दिन ये डीटी का इंस्टॉलेशन हुआ था। और बहुत भव्य रूप से अभिषेक हुआ, बहुत अच्छे से कीर्तन हुआ और सभी लोगों ने गोपाल भट्ट गोस्वामी का गुणगान किया कि उनकी वजह से भगवान प्रकट हुए, और कीर्तन हुआ हरे कृष्ण महामंत्र का। तो रूप सनातन गोस्वामी, सारे गोस्वामी इस तरह से मिलते थे, हियरिंग चैंटिंग रीडिंग करते थे, बुक्स लिखते थे, कृष्णा कॉन्शियस प्रीचिंग के अलग अलग
प्रेजेंटेशंस कैसे दुनिया को अट्रैक्ट करें वृंदावन की ओर, इस तरह से वो प्रेजेंट करते थे। भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर ने कहा है कि यही एक ऐसा विग्रह है जो वृंदावन के बाहर नहीं गया है। बाकी जो दूसरे 6 गोस्वामी के जो विग्रह है, मदन मोहन, राधा गोविंद, गोविंद जी, गोपीनाथ और श्याम सुंदर, ये सारे विग्रह ट्रांसफर हुए जयपुर, क्योंकि मुगलों ने अटैक किया था, उनके मंदिरों को तोड़ा था, और इसलिए पुजारियों को सारे विग्रह छुपाने पड़े, वहां से ले जाने पड़े, ताकि विग्रह को कोई नुकसान ना हो। तो ओरिजिनल गोविंद जी विग्रह जयपुर में है, ओरिजिनल मदन मोहन विग्रह जो है वो करौली में है, ओरिजिनल गोपीनाथ विग्रह वो भी जयपुर में है। उनका प्रतिभा मूर्ति मतलब मिरर स्ट्रक्चर, मतलब सेम उसकी तरह बनाया, वो जो है वो वृंदावन में है, प्रतिभा मूर्ति बोलते हैं उसको। बट ये राधा रमन को वृंदावन से बाहर नहीं ले गए। एक्चुअली मुगलों ने इस डीटी पे अटैक भी नहीं किया था, क्योंकि वो सोचा इतना छोटा विग्रह है, ये क्या कुछ करेगा, इसका क्या कुछ होने वाला है। उनको नेग्लेक्ट कर दिया राधा रमन को, उनको अटैक नहीं किया वो मंदिर को, और ये बाकी सारे मंदिर तोड़े। तो ये जो विग्रह है, ये जो आप देख रहे हैं, ये विग्रह की खासियत क्या है कि इनके जो चरण कमल हैं वो मदन मोहन विग्रह जैसे हैं, इनका जो चेस्ट है वो गोपीनाथ जैसा, और इनका जो फेस है वो गोविंद जी जैसा है। तो तीनों विग्रह के एक साथ दर्शन होते हैं जब हम राधा रमन जी के दर्शन करते हैं। तो ये डीटीज मैनिफेस्ट इस तरह से हुए कि इनके लोटस फीट मदन मोहन जैसे हैं, इनका चेस्ट गोपीनाथ जैसा है, उनका फेस गोविंद जी जैसा है। और जब ये शालिग्राम शिला वर्शिप किया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, महाप्रभु तो सुपर सोल है, उनको पता चला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उन्होंने शालिग्राम वर्शिप स्टार्ट कर दिए। तो जब ये न्यूज़ महाप्रभु को मिला तो वो एक्सटेसी में आ गए, और कुर्मा शिला जो होती है उस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गए। जब ये न्यूज मिलता है महाप्रभु को, कुर्मा शिला टॉर्टोइस, तो ऐसा बताया जाता है कि वो ही शिला दामोदर शिला के फॉर्म में गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलती है, और उसी शिला से राधा रमन मैनिफेस्ट होते हैं। इसका मतलब राधा रमन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, और चेतन इसलिए मैं देखो ना, राधा रमन है पर राधा रानी नहीं है इधर। क्यों नहीं है? बिकॉज ही इज चैतन्य महाप्रभु, राधा एंड कृष्णा कंबाइन। राधा रानी मैनिफेस्ट नहीं हुई, सिर्फ कृष्णा मैनिफेस्ट हुए। क्यों कृष्णा? क्योंकि ही इज सेम चैतन्य महाप्रभु, इसलिए राधा रानी का विग्रह नहीं, उनको सेपरेट कहीं रखा होगा अभी शायद, बट अकेले कृष्णा कभी आते नहीं है, ही इज ऑलवेज विद राधा रानी। तो ये चैतन्य महाप्रभु से नॉन डिफरेंट है ये विग्रह। तो फिर जो भी गिफ्ट उस बिजनेसमैन ने दिए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी को, वो एग्जैक्ट फिटिंग के साथ ये विग्रह को हुए, एग्जैक्ट फिटिंग के साथ, मुकुट कपड़े और यू नो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े साइज लेके या बहुत छोटा, एग्जैक्ट परफेक्ट फिटिंग हो गया डीटीज के ऊपर। तो उनका फिर वर्शिप उन्होंने यू नो स्टार्ट किया, और इस तरह से वर्शिप चलते रही। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कई सालों तक वर्शिप किया, बहुत साल गुजर गए थे, उनको फिर कंसर्न होने लगा कि अभी मैं फिर चला जाऊंगा तो ये वर्शिप कौन संभालेगा आगे, है ना। तो ऐसे कई साल निकल गए। तो एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना में स्नान करने गए थे, दोपहर का समय था, स्नान करके वो वापस आ रहे थे। वापस आए जब अपने कुटीर में जा रहे थे, भजन कुटीर में, तो दूर से देखा उन्होंने कि उनके भजन कुटीर के बाहर एक लड़का खड़ा है ना, और उनके कुटीर के जस्ट बाहर ही बैठा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये लड़का उनको प्रणाम करता है, और गोपाल भट्ट पूछते हैं कौन हो आप, तो ये लड़का बोलता है मैं देववदन्य ग्राम से हूँ।
है ना, मैं वहां से आया हूँ। भट गोपाल भट गोस्वामी पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारे पिता का और क्यों आए हो तुम यहाँ? ये बोलते हैं, मैं माधव प्रसाद शर्मा का पुत्र हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि मेरा नाम गोपीनाथ है और उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी सेवा में नियुक्त हैं। तो भोपाल भट्ट गोस्वामी कनेक्ट कर लेते हैं कि मैं, हाँ, जब वो शालीग्राम लेने गया था तब ये मिला था, मैं उनसे मिला था ऐसा। तो गोपीनाथ जो पुजारी है, इनको वो फिर ये सेवा में लगाते हैं कि आप राधा रमन की सेवा करो। तो ये जो होते हैं गोपीनाथ शर्मा, ये ब्रह्मचारी रहते हैं, ये मैरिज नहीं करते हैं, फुल टाइम है ना राधा रमन की सेवा में, एज अ ब्रह्मचारी के फॉर्म में वो सर्विस करते हैं। तो अभी फिर आगे इनके बाद कौन संभालेगा? तो एक्चुअली गोपीनाथ को ये गोपाल भट्ट गोस्वामी दीक्षा देते हैं और उनको फिर इन सेवा में एंगेज करते हैं। अभी उनको, माधव शर्मा को दो पुत्र हुए थे अगर आपको याद हो तो, एक का नाम होता है गोपीनाथ शर्मा, दूसरा का नाम होता है दामोदर शर्मा। तो इन दोनों को दीक्षा दे देते हैं ये गोपाल भट्ट गोस्वामी। दामोदर शर्मा गृहस्थ में जाते हैं, ये ब्रह्मचारी रहते हैं। तो गोपीनाथ शर्मा को वो सर्विस देके गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर चले जाते हैं और फिर गोपाल भट्ट, ओ सॉरी, गोपीनाथ को फिर आगे ये सर्विस वो कंटिन्यू करते हैं, वो फिर अपने ब्रदर को दे देते हैं दामोदर शर्मा को, जो कि गृहस्थ होते हैं। और अभी के जो पुजारी जो वर्शिप कर रहे हैं वो दामोदर शर्मा की परंपरा से आ रहे हैं, उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र पुत्र, सेमिनल लीनिएज जो है तो वो उनके वंश में आते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इस तरह से बहुत सुंदर रूप से वर्शिप, डीटी वर्शिप करते हैं और उनको एक्चुअली जो डीटी वर्शिप का जो सिस्टम है वो पूरा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बनाया था। अभी जो इस्कॉन में जो डीटी वर्शिप मैनुअल जो बुक है वो उनके ग्रंथ से ली गई है, जैसे उनको, उनका बहुत इंटरेस्ट था डीटी वर्शिप में, उन्होंने कई सारे पुस्तक लिखे, बहुत सारे पुस्तक लिखे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। और हरि भक्ति विलास जो हम पढ़ते हैं वो किसने लिखे पता है आपको? हरि भक्ति विलास ऐसा बोलते हैं सनातन गोस्वामी ने लिखी, पर ओरिजिनली गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी थी वो बुक, सनातन गोस्वामी ने उनको उसको कंपाइल किया था। इवन षट संदर्भ वो भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखे, लेटर जी गोस्वामी ने उसको एडिट किए। तो कई सारे ऐसे ग्रंथ लिखे और इवन जो सारे संस्कार हैं, जितने भी ये सारी चीजें हैं वो सब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत अच्छे से अपने बुक में, अपने स्क्रिप्चर्स में उसको मेंशन किए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के जनरली रूप और सनातन गोस्वामी के कोई जनरली डिसाइपल्स नहीं थे, मुश्किल से एक या दो होंगे, बाकी कोई डिसाइपल नहीं थे उनके। तो उन्होंने जी गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोला कि आप इनिशिएशन देना चालू करो। जीव गोस्वामी को नहीं बोला उन्होंने क्योंकि उनकी उम्र बहुत छोटी थी उस समय। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोला इनिशिएशन देने के लिए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बोला इनिशिएशन देने के लिए। तो एक प्रसिद्ध शिष्य जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बने वो थे श्रीनिवास आचार्य, है ना? तो ये श्रीनिवास आचार्य वो हैं जिन्होंने षट गोस्वामी अष्टकम लिखा, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के डिसाइपल थे श्रीनिवास आचार्य। तो ये श्रीनिवास आचार्य आगे चल के पावरफुल आचार्य बनते हैं, रूप सनातन तब तक चले जाते हैं, वो भी भगवत धाम चले जाते हैं। उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके सपने में आते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोलते हैं कि श्रीनिवास करके एक भक्त आएगा, उनको तुम दीक्षा देना और उनको तुम एक्सेप्ट करना, उनको दीक्षा देना, उनको सर्विस में एंगेज करना। जीव गोस्वामी को भी सपने में आते हैं रूप सनातन, बोलते हैं श्रीनिवास करके एक डिवोटी आएगा वृंदावन में, उनको तुम गोपाल भट्ट के पास ले जाना, वो उनको दीक्षा देंगे। इतने महान डिवोटी थे वो, कौन? श्रीनिवास आचार्य, जिनकी वजह से ये सपने में आए रूप सनातन। तो दोनों को साथ में साइमल्टेनियसली सपने आते हैं, तो पहले जीव गोस्वामी को मिलते हैं श्रीनिवास आचार्य,
जीव गोस्वामी उनको ले जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, बोलते हैं इनको दीक्षा दो, रिकमेंडेशन लेटर है ये रहा रूप सनातन का, तो एक्सेप्ट करते हैं वो, दीक्षा देते हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं कि आप जीव गोस्वामी के अंडर रहो और उनके अंडर सेवा करो। जीव गोस्वामी ऐसे तीन डिवोटीज को इकट्ठा करते हैं, श्रीनिवास आचार्य है, एक नरोत्तम दास ठाकुर जो लोकनाथ गोस्वामी के डिसाइपल हैं, और श्यामानंद प्रभु जो हृदय चैतन्य के डिसाइपल होते हैं। तो ये तीन का एक टीम बनाते हैं और इन तीनों को स्क्रिप्चर्स देते हैं सारे जो गोस्वामी ने लिखे होते हैं, सारे शास्त्र देते हैं, और वो बोलते हैं कि आप जाओ बंगाल में और उसका प्रचार करो। ये तीनों का टीम होता है और वो निकलते हैं। तो महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया था गोस्वामियों को, गोस्वामियों ने बुक्स लिखे, श्यामानंद और श्रीनिवास और नरोत्तम ने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और प्रभुपाद ने ये सारे स्क्रिप्चर्स को निचोड़ बना के पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमारे आचार्य इस तरह से सारे कनेक्टेड हैं। तो ऐसे 1586 में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी डिसअपियर होते हैं चैतन्य महाप्रभु के ठीक 100 साल के बाद, जब वो प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु 1486 में, डिसअपियर होते हैं 1586 में गोपाल भट्ट गोस्वामी, और उनकी समाधि वृंदावन में है, राधा रमन टेम्पल जाओगे तो जस्ट उसके पीछे है उनका समाधि। कल वहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव होगा, बहुत सारे भक्त लोग आएंगे, समाधि का दर्शन करेंगे। आप राधा रमन टेम्पल जाओगे जब भी तो वहाँ पर विशेष रूप से आप देखना कीर्तन बहुत अच्छा होता है वहाँ पर, अलग अलग सिंगर्स आते हैं, अलग अलग भजन गाते हैं, नहीं हर वी डे है ना, शाम के समय में जब भी जाओगे तो विशेष कीर्तन का आयोजन होता है और अलग अलग वो लोग भजन गाते हैं। अभी तो पता नहीं कौन से क्या भजन गाते हैं, बट पहले ऐसा होता था। क्यों ऐसा? क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी को कीर्तन बहुत पसंद था, बहुत पसंद था उनको कीर्तन, तो इसलिए राधा रमन जी के सामने कीर्तन का बहुत अच्छे से आयोजन होता था। तो ये सारा जो गोपाल भट्ट गोस्वामी को हम के बारे में जो हमको पता चल रहा है, वो सब कुछ हमें प्रभुपाद की कृपा से पता चल रहा है। प्रभुपाद अगर नहीं होते तो हमको पता नहीं चलता छह गोस्वामी के बारे में, गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में, है ना। तो वो नहीं होते तो ना हम जानते वृंदावन क्या है, ना राधा रमन क्या है वो भी नहीं पता होता, षट गोस्वामी बुक्स क्या है वो नहीं पता होती हमें। तो सारा श्रेय जाता है श्रील प्रभुपाद से, तो वो हमारे लिए सारे हैं, सब कुछ है। छह गोस्वामी भी हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ही है, वो इन्होंने इतना ऑस्टेरिटी तपस्या किया तब जाके हमको ये सब पता चल रहा है। ये सारा जो भी हमने आज क्लास में डिस्कस किया उनके मर्सी से ही हमको पता चला है सब कुछ। तो अनंग मंजरी का फॉर्म है गोपाल भट्ट गोस्वामी का, कुछ लोग बोलते हैं गुणा मंजरी के रूप में सर्विस करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो नित्य स्वरूप गोलोक वृंदावन में वो है अनंग मंजरी, जो राधा रानी की असिस्टेंट है। तो इस तरह से ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में था कुछ जो हमने डिस्कस किया। तो किसी का कोई प्रश्न है? ऐसे तो सिर्फ कथा ही थी, ज़्यादा प्रश्न तो शायद होंगे नहीं, बट फिर भी किसी को पूछना हो एनी क्वेश्चन एनी डाउट पूछ सकते हैं। यस जतिन प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, सबसे पहले तो प्रभु आपने इतना रिलेशन क्लास दिया तो मेरे को अभी तक गूज बम्स आ रहे हैं। एंड प्रभु मेरा प्रश्न ये था, आपने बताया था जो राधा रमन जी के जो डीटीज हैं उनका, आपने बताया था महाप्रभु से कुछ रिलेशन था उनकी शिला से टॉर्टोइज वाला, प्रभु वो कनेक्शन समझ में नहीं आया प्रभु। तो महाप्रभु एक्चुअली वो शिला के फॉर्म में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिले थे। दामोदर शिला जो है वो महाप्रभु का ही एक्सपांशन है, और उसी शिला से राधा रमन मैनिफेस्ट हुए थे। जी,
एंड जो और बाकी जो शिला उनको मिली थी गोपालकुंडा गोस्वामी जी को, तो वो उन शिला से क्या वो हुआ? तो शिला एज इट इज वैसी की वैसी रही, बट उसमें से एक शिला जो है राधा रमन के रूप में कन्वर्ट हुई। यस, दामोदर शिला दामोदर जी। शिला। ओके थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। इस करण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपने ये बताया कि मंजरी, जैसे आप जैसे हमारे मतलब ये संप्रदाय के जितने आचार्य हो काफी, उनमें से सारे अलग अलग मंजरी का स्वरूप है, तो ये गोपी और मंजरी में अलग मतलब डिफरेंस होता है क्या? मतलब गोपी से ऊपर आती है क्या मंजरी, मंजरी भाव मतलब? गोपीज जो होते हैं वो डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। गोपी के अंडर में असिस्टेंट के तौर पे मंजरीज होती ओके है। मंजरीज जो होती हैं गोपीज को असिस्ट करती है, और गोपीज जो है राधा कृष्ण की सर्विस करती है। तो हमारे जितने भी गोस्वामी थे सब मंजरीज के फॉर्म में थे, वो लोग वृंदावन में। वो फिर असिस्ट करते हैं गोपीज को, और इस तरह से सर्विस चलती है गोलोक वृंदावन में। तो फिर ये 8 मंजरियां जो थी, मतलब जो ललिता जी, विशाखा जी और वो मंजरी इंदुलेखा अष्ट जी, तो गोपियां हैं, वो अष्ट गोपी बोलते हैं ना, अष्ट गोपियां हैं वो। गोपी और मंजरी अलग अलग है दोनों, ओके अष्ट गोपी। अष्ट गोपी। ओके ओके मैं समझ, क्योंकि काफी लोग उल्टा बोलते हैं, मतलब मुझे हाँ वो कंफ्यूजन था इसलिए। राइट राइट, गोपियां 8 होती है, मंजरी अनेक होते हैं। मतलब गोपियां भी ओके करोड़ों गोपियां होती हैं, बट 8 मुख्य गोपियां होती ओके हाँ हैं, समझ मंजरियां गया मैं। बहुत सारी होती हैं। ओके ब्रो जी, ओके, सो यहाँ एंड करते हैं। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, शिला जय प्रभुपाद की जय। जय। कृष्ण।